नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस स्लाइड पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो लेसन है ये आधारित है आसियान इंडिया कमेमोरेटिव समिट 2018 के ऊपर, यानी कि आसियान भारत मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन। तो रजत जयंती शिखर सम्मेलन इसलिए क्योंकि आसियान और भारत की मैत्री, या कह लें कि आसियान और भारत की साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी की यादगार के तौर पर यह समिट रखी गई दिल्ली के अंदर 25 से 26 जनवरी 2018 को। ठीक है, तो इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री तो है ही दोस्तों, इनके अलावा आसियान के सभी 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आप इस स्लाइड पर देख पा रहे हैं और इन सभी के नाम भी मैं इस लेसन के आखिर में बताऊंगा दोस्तों। खैर, इस सम्मेलन में क्या कुछ हुआ वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो इस सम्मेलन में देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से आसियान के इन सभी शीर्ष नेताओं ने मिलकर एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज की है आसियान की 25 वर्षों की साझेदारी को ध्यान में रखते हुए, उसको यादगार बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो एक स्टैंप है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि आसियान के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बार भारत के रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि के तौर पर, विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे हैं। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान के राष्ट्राध्यक्षों की किस तरह से अगवानी की है ना। तो बहुत ही शानदार नजारा था ये आसियान के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे हैं, राजपथ पर उन्होंने परेड देखी और पूरे के पूरे समारोह में वे शामिल रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी आसियान लीडर्स को धन्यवाद किया है। ठीक है, तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो दोस्तों, इस समिट में क्या कुछ खास रहा है वो हम देखेंगे। देख सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ है भारत के अंदर के रिपब्लिक डे पर कोई एक नेता ना आकर 10 देशों के नेता एक साथ आए और विशेष मेहमान के तौर पर उन्होंने भारत में शिरकत की और सभी आसियान देशों के नेता आए हैं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये समिट हुई है आसियान इंडिया कमेमोरेटिव समिट 2018, हिंदी में आप कहें आसियान भारत मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन 2018, और इसी के तहत दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है दोस्तों। और इस दिल्ली घोषणा पत्र के अंदर जो भी खास बातें हैं वो सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं, इसके बाद थोड़ी सी बात हम कर लेंगे आसियान के बारे में कि आसियान क्या है, आसियान और भारत के अंदर किस प्रकार का संबंध है। छोटी छोटी बातें इस लेसन में करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल के लिए मैं एक अगला लेसन और बनाऊंगा जिसके अंदर हम आसियान और भारत के रिश्तों की बात डिटेल में करेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली घोषणा पत्र की बात करते हैं। तो दिल्ली घोषणा पत्र में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रही है वो यही है कि यहां पर भारत ने साफ तौर पर कहा कि भारत हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था कायम करने का पक्षधर है। तो हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र यानी कि हिंद महासागर का जो एरिया आ जाता है दोस्तों, और प्रशांत महासागर का जो एरिया आ जाता है, इसके अंदर जितने भी देश हैं, खासतौर पर आसियान देश और ऊपर की ओर आप चीन देखेंगे यहां पर, है ना, तो चीन को लेकर ये सभी देश काफी शंका में रहते हैं। ठीक है, काफी दबाव में भी रहते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने कहा है कि भारत हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था कायम करने का पक्षधर है, यानी कि चीन की धौंस नहीं चलेगी साउथ चाइना सी के मसले के ऊपर भी। साउथ चाइना सी क्या है वो हम देखेंगे दोस्तों इसी लेसन के अंदर थोड़ा सा आगे जाकर। तो और इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया है देखिए, ये कहा गया है कि राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करेंगे ये सभी देश, यानी कि आसियान के सभी देश और भारत। और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, जैसे कट्टरता, आतंकवाद और मानव तस्करी के खिलाफ सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे, आतंकी समूहों को पकड़ने और उनके विस्तार पर रोक लगाने में सहयोग किया जाएगा। ठीक है, ये आतंकी समूहों को पकड़ने और उनके विस्तार पर रोक लगाने के लिए एक विशेष उपाय भी किया गया है दोस्तों, उस विशेष उपाय के बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा। अवर आई नाम से एक विशेष उपाय किया गया है, अवर आई विशेष तौर पर, तो ये उपाय आसियान देशों ने ही किया है लेकिन भारत भी इसमें सहयोगी देश के रूप में शामिल है, आगे थोड़ा इसका जिक्र करते हैं। तो छठा पॉइंट ये है,
आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु इसी वर्ष से नई व्यवस्था की कोशिश होगी, यानी कि इसी वर्ष 2018 से ही भारत और आसियान के बीच में एक नए प्रकार की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि समुद्री सुरक्षा, शांति, क्षेत्रीय संतुलन और नौवहन स्वतंत्रता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार उठाई है इस सम्मेलन के अंदर, और उन्होंने ये बात भी कही है कि शांति और बराबरी के समाज को लेकर आसियान का दृष्टिकोण भारत के दृष्टिकोण से मेल खाता है, यानी कि आज के समय में आसियान और भारत लगभग एक जैसा नजरिया रखते हैं इन सभी मुद्दों को लेकर। तो दोस्तों बार बार यहां पर बात आ रही है समुद्री सुरक्षा की, है ना, नौवहन स्वतंत्रता की, ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं, तो इसके बारे में दोस्तों जानते हैं अगली स्लाइड में। तो दोस्तों ये वो चीज है जिसके कारण समुद्री सुरक्षा की बात इतने बड़े पैमाने पर उठाई गई इस समिट के अंदर। ये चीज क्या है, सबसे पहली बात तो ये जो साउथ चाइना सी को लेकर जो विवाद चल रहा है इन सभी देशों के बीच में, ठीक है, कौन से देश, यानी कि ये तो है चाइना, ठीक है, चाइना अपनी धौंस जमाता है, चाइना कहता है कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ये चीन का है, यानी कि चीन का ही इसके ऊपर अधिकार है, चीन जो चाहे यहां पर करे, चाहे जितने भी यहां पर मिनरल्स हैं, जितने भी खनिज संसाधन है वो सारे चीन के हैं इस समुद्र के अंदर, और अगर कोई भी देश यहां से गुजरेगा साउथ चाइना सी में से तो चीन उसके ऊपर टैक्स भी लगा सकता है भविष्य के अंदर, चीन की इजाजत के बिना कोई यहां से गुजरे भी ना, तो चीन का कुछ ऐसा रवैया है, ठीक है। जबकि इसके विपरीत दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर जो दूसरे देश हैं, जैसे यहां पर ये वियतनाम है, ठीक है, यहां पर अपना फिलीपींस आ जाता है, और भी जितने भी देश हैं वो सभी देश भी अपना अपना दावा करते हैं, इवन जापान भी, यहां पर ये जापान है, जापान भी यहां पर इस जगह पर अपना दावा करता है, ये आप कह सकते हैं कि पूर्वी चाइना सी है ना, ईस्ट चाइना सी, तो ये जो साउथ चाइना सी है फिलहाल इसी की बात कर लेते हैं। तो साउथ चाइना सी को लेकर यहां के तमाम देशों के बीच में अपना अपना झगड़ा चल रहा है, इसके कारण भी ये जो आसियान देश हैं ये भारत के करीब आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी आसियान देश हैं, जितने भी मेंबर्स इस समिट में शामिल हुए, ये सारे इस कारण से भी भारत के करीब आ रहे हैं क्योंकि चाइना लगातार धौंस जमाता रहता है। चाइना के खिलाफ खुलकर तो ये नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि चाइना इनका बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर भी है, इसलिए चाइना के खिलाफ खुलकर तो नहीं आ सकते, लेकिन एक रणनीतिक साझेदारी जरूर की जा सकती है भविष्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि भारत जो है, भारत का बहुत सारा व्यापार यहां से होता है, ये जो एरिया है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है, मलक्का जल संधि इसे कह सकते हैं, आप कहते हैं इसे हिंदी में, तो मलक्का स्ट्रेट से भारत का बहुत सारा व्यापार होता है, और मलक्का स्ट्रेट से आगे गुजरते हुए हमें भी साउथ चाइना सी में जाना पड़ता है बहुत बार, है ना, तो भारत के भी बहुत ज्यादा खास तौर पर आर्थिक मुद्दे जुड़े हुए हैं इस चीज के साथ, और साथ ही ये वियतनाम के अंदर भारत, वियतनाम के यहां पर समुद्र में भारत तेल खोजने का काम भी कर रहा है वियतनाम के साथ मिलकर, ठीक है। इसके अलावा ये जो चाइना है दोस्तों, चाइना भारत के हिंद महासागर के अंदर काफी हस्तक्षेप लगातार करता रहता है, हिंद महासागर में यहां पर आप ये देश, यहां पर मालदीव है दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा यहां पर ये पाकिस्तान के साथ यहां पर ग्वादर बंदरगाह इसने ले रखा है, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह यहां पर चाइना ने एक प्रकार से ले लिया है श्रीलंका से, ये हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश में भी यहां पर इसने बंदरगाह ले लिया है चिटगांव का, है ना, तो भारत को घेरने की कोशिश हिंद महासागर में चीन लगातार कर रहा है, तो भारत की भी कोशिशें हैं कि चीन को किसी ना किसी तरीके से काउंटर किया जाए। तो इसीलिए समुद्री सुरक्षा की बात और नौवहन संतुलन की बात, नौवहन परिचालन की बात बार बार उठती है, नौवहन स्वतंत्रता की बात बार बार उठती है, तो ये है दोस्तों सारा मुद्दा। और दोस्तों इन सब के अलावा इस समिट में और क्या कुछ हुआ है, इस समिट में एक और महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि डिजिटल गांव बनाने को लेकर भी भारत और आसियान मिलकर काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, ठीक है, इंटरनेट का जमाना है, तो डिजिटल गांव बनाने के लिए भी भारत और आसियान देश मिलकर काम करेंगे, आसियान के वो देश जो बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, ठीक है, तो भारत ने अपनी ओर से पेशकश की है कि जैसे यहां पर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये देश जो आसियान में कम विकसित देश हैं, इन देशों के अंदर भारत डिजिटल गांव तैयार करेगा, ठीक है, क्योंकि
भारत इस मामले में काफी तरक्की कर चुका है, तो भारत कह रहा है कि हम यहाँ पर डिजिटल गांव तैयार करेंगे फाइबर ऑप्टिक की मदद से, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की मदद से, और अगर ये परियोजना सफल होती है तो इसको आसियान के दूसरे देशों में भी ले जाया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों एक ये चीज है जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था, यह है हमारी आंखें, यानी कि अवर आई। तो दोस्तों ये एक इनिशिएटिव है आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है। तो यहां पर ये जो न्यूज है जनसत्ता में, इसमें लिखा हुआ है दुनिया भर में इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद हो रहा है उसका मुकाबला करने के लिए आसियान देशों ने सामरिक रणनीतिक सहयोग मंच तैयार किया है। ये एक सामरिक रणनीतिक सहयोग मंच है दोस्तों आसियान देशों का, और यहां पर लिखा हुआ है इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद फैलता है। हालांकि दोस्तों मैं अपना नजरिया बता दूं कि मैं किसी भी धर्म को आतंकवाद के साथ जोड़कर नहीं देखता हूं, मैं सभी धर्मों की बराबर रिस्पेक्ट करता हूं, और व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी भी धर्म को मानता नहीं हूं, मैं केवल और केवल मानवता को मानता हूं, ठीक है। तो ये तो मेरी व्यक्तिगत बात है, बाकी इस खबर के अंदर जो कुछ लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक इनिशिएटिव है आसियान देशों का, और इसके अंदर सभी आसियान देश शामिल नहीं है दोस्तों, इसके अंदर 6 आसियान देश शामिल हैं। वो 6 आसियान देश कौन से हैं? वो आसियान देश दोस्तों ये हैं, यहां पर लिखा हुआ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। इसके अलावा 3 देश और हैं, वो हैं सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रुनेई। तो ये 6 देश हैं, इनमें से भी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो 3 देश तो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्रीज आप कह सकते हैं इनको, ठीक है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, यहां पर मुस्लिम सबसे ज्यादा गिनती में है, जैसे ब्रुनेई हो गया, है ना, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, और वो भी इस आतंकवाद के नाम पर एकजुट हुए हैं, है ना। और इसके अलावा भारत यहां पर एक सहयोगी देश के रूप में दोस्तों इनके साथ शामिल हुआ है। ये देखिए भारत सहयोगी देश बना है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इस इनिशिएटिव में भविष्य में शामिल हो सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं इसमें शामिल होने की। तो इसमें क्या होगा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर आतंक का कोई ढांचा तैयार हो जाता है इन देशों के अंदर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक खुफिया एजेंसी की तरह से काम करेगी ये संस्था, यानी कि हमारी आंखें नाम की ये जो संस्था है एक खुफिया एजेंसी की तरह काम करेगी, और सभी देश एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर हुई हैं। खैर आगे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं दोस्तों अब आसियान की, आसियान और भारत की दोस्ती की। तो आसियान और भारत की जो दोस्तों जो मैत्री है, जो साझेदारी है, ये 1992 में शुरू हुई थी, ठीक है, 1992 में ये शुरू हुई थी भारत आसियान के मध्य क्षेत्रीय साझेदारी, और 2017 में इसको 25 वर्ष पूरे हो गए। और अभी हाल ही में दोस्तों फिलीपींस में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिलीपींस गए थे, जब आसियान समिट हुई थी, इंडो आसियान समिट हुई थी वहां पर, है ना, तो वहां पर पूरे हो चुके थे 25 साल, और भारत में अब उसके लिए कमेमोरेटिव समिट की गई है, ठीक है, आसियान इंडिया कमेमोरेटिव समिट 2018, यानी कि एक यादगार के रूप में यह समिट की गई है। और आसियान देश कौन कौन से हैं? आसियान देश ये सभी हैं दोस्तों आपके सामने, अब आप देख लीजिए, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई दारुसलाम। तो ये 10 देश हैं जो कि आसियान कंट्रीज हैं, और अच्छी खासी इनकी अर्थव्यवस्था है अगर पूरे के पूरे आसियान को मिलाकर देखें तो, और इनकी अर्थव्यवस्था भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि भारत का इनके साथ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार है। और ये देखिए ये समिट हुई है, ये उस समिट की तस्वीरें हैं जो भारत के अंदर अभी समिट हुई है, कमेमोरेटिव समिट, जहां पे आसियान के सभी 10 राष्ट्राध्यक्ष शामिल रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट की अध्यक्षता की है। तो ये उस समिट के कुछ दृश्य दोस्तों जो आपके सामने आ रहे हैं। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बायलैटरल टॉक्स भी किए गए हैं जो भी महत्वपूर्ण आसियान देश हैं उनके नेताओं के साथ, जैसे ये आप देख सकते हैं ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, है ना, इसके अलावा ये म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू की, काफी मशहूर है ये दुनिया में, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। हालांकि पिछले दिनों जो रोहिंग्या का मसला हुआ था उस मामले में इनकी अप्रोच को लेकर काफी इनकी आलोचना भी हुई है। तो ये सारा कुछ है। तो जिन 10 आसियान देशों के जो 10 राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए थे उनका नाम दोस्तों यहां पर दे दिया गया है,
आप देख सकते हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री आए थे, वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम है नुएन शुआन फुक। अब ये सभी नाम याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है दोस्तों, और मेरे ख्याल से तो याद करना मुश्किल भी बहुत है, क्योंकि ये नाम इतने आसान नहीं है याद करने, है ना। जैसे वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम है, अब म्यांमार की स्टेट काउंसलर ये तो काफी मशहूर है, ठीक है, आंग सान सू की। अब फिलीपींस के राष्ट्रपति ये भी काफी मशहूर है, ठीक है, काफी ऐसे बयान देते रहते हैं, हैरान कर देते हैं, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ते, तो ये रोड्रिगो दुर्तेतो, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति। थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओशा ये भी आए थे। इनके अलावा दोस्तों सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आसियान का जो वर्तमान में जो ढांचा है, आसियान के वर्तमान ढांचे में सिंगापुर अध्यक्ष है, ठीक है, वर्तमान आसियान का अध्यक्ष सिंगापुर है, और सिंगापुर की ओर से ली सीन लुंग आए थे, ठीक है, उनके प्रधानमंत्री। ब्रुनेई के सुल्तान आए थे हसन अल बोलकिया, और ये जो हसन अल बोलकिया है दोस्तों, ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, ठीक है, ब्रुनेई के सुल्तान है और दुनिया के सबसे अमीर सबसे रईस लोगों में से एक है। इनके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे जोको विडोडो, लाओस के प्रधानमंत्री थोंगलुन सिसोलिथ। अगर नाम याद रख सकते हैं तो याद रखिए, अदरवाइज जो तीन चार जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं उनका नाम आप याद रख लीजिए, सिंगापुर के, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ठीक है, इनके नाम आप याद रख लीजिए। आखिर में ये मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन। तो ये 10 नेता भारत में आए, और इस तरह से आसियान इंडिया कमेमोरेटिव समिट 2018 संपन्न हुई है दोस्तों, और उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसे कहा गया है दिल्ली घोषणा पत्र। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको ठीक लगा होगा। बाकी आसियान और भारत के बारे में एक डिटेल लेसन मैं जल्द ही बनाता हूं। धन्यवाद दोस्तों।